हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेवैया और कवित्त पोएम की शॉर्ट समरी। सबसे पहले तो इसके पोएट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसके पोएट हैं देव। देव का जन्म उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था और इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी है। क्या है? देवदत्त द्विवेदी। और इनकी मृत्यु सन 1767 में हुई थी। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर में सबसे पहले आपको सेवैया एक पैराग्राफ दिया गया है, यानी पोयम जैसा। उसमें हमारे पोएट ने श्री कृष्ण के सुंदर रूप के बारे में बताया है। क्या क्या बताया है, आइए देखते हैं। पोएट बताते हैं कि श्री कृष्ण के तीरंदाजों में घुंघरू और कमर में करधनी बहुत ज्यादा सुंदर और मधुर आवाज निकाल रहे हैं। अब करधनी आप समझते हैं ना, कमर में बांध देते हैं छोटे बच्चों के, जो घुंघरू लगी हुई रहती है, वही वो बहुत ज्यादा मधुर आवाज निकाल रही हैं। उनके सांवले शरीर पर पीले कलर के कपड़े बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। उनके गले में वैजंती मंगल बहुत सुशोभित हो रहा है, मतलब गले में जो माला है ना मोतियों की बनी हुई, वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। उनके सिर पर मुकुट है जिस पर मोर पंख लगा हुआ है। उनकी आंखें बड़ी बड़ी और बहुत ही ज्यादा चंचल हैं। उनके फेस पर हल्की हल्की मुस्कान रहती है, जैसे मृग तृष्णा के फेस पर रहती है, जो चंद्र किरण के समान सुंदर है। ऐसे श्री कृष्ण को देखने का सबका मन हो रहा है। वो जगत रूपी मंदिर के समान लग रहे हैं। पूरे जग के, पूरे ब्रज के दुलारे हैं, उनके दर्शन को सब व्याकुल हैं। इसके बाद आता है हमारा कवित्त। इसमें दो कवित्त दी गए हैं। पहले कवित्त में और दूसरे कवित्त में एक छोटे बच्चे का कंपैरिजन, जब हमारे घर पे आता है ना न्यू बेबी, उसका कंपैरिजन वसंत से किया गया है। तो आइए देखते हैं। पोएट कहते हैं कि जिस तरह से कोई नया बच्चा हमारे परिवार में आता है, मतलब जन्म लेता है, तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, उसी तरह हमारी प्रकृति बसंत के आने पर चारों तरफ जगह छोड़ देती है उसके आने के लिए। प्रकृति में चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे हमारी प्रकृति ने, हमारी नेचर ने राजकुमार वसंत, वसंत को क्या कहा गया है, राजकुमार कहा गया है, राजकुमार वसंत के आने पर रंग बिरंगे कपड़े तैयार किए हों। ठीक वैसे ही जैसे हमारे घर में जब नया बच्चा आता है तो उसको रंग बिरंगे कपड़े पहनाए जाते हैं, नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं और बहुत सारा प्यार किया जाता है, एकदम सेम। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहते हैं पेड़ की डालियों पे नए नए पत्ते निकल रहे हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी झुक जाती हैं और धीरे धीरे हवा चलती है, जिसकी वजह से पेड़ों की डालियां ऐसे हिलती हैं जैसे हम घर में छोटे बच्चे को झूला झुलाकर चुप कराते हैं ना, वैसे हवा उनको हिला हिलाकर चुप कराने की कोशिश कर रही हो। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वसंत के जी बहलाने की कोशिश सभी कर रहे हैं, हवा, धरती, आसमान, सब उसका जी बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे घर के अलग अलग पर्सन को अलग अलग तरीके से बच्चे को हंसाने का आइडिया होता है ना, कोई उसे उछाल कर हंसाता है, कोई उसे गुदगुदा कर हंसाता है, तो ऐसे ही प्रकृति भी अपने सारे मेथड्स को अप्लाई कर रही है बसंत को हंसाने के लिए, उसे बहलाने के लिए। इन सारी चीजों में कमल के फूल भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। वो खिलकर सारी जगह खुशबू फैला रहे हैं, अपनी सुगंध फैला रहे हैं, जिससे चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैली हुई है। उस खुशबू का कंपैरिजन किससे किया है हमारे पोएट ने, वो कहते हैं जैसे हमारे घर में बूढ़ी दादी नानी होती है ना, वो नून मोमबत्ती इन सारी चीजों से बुरी बाधाओं को दूर करती हैं, बच्चों की नजर उतारती हैं, टोटके करती हैं, वैसे ही कमल के फूल की सुगंध है वो एक तरीके से टोटका है बसंत को रोके रखने का। वसंत ऋतु में सुबह सुबह गुलाब की कलियां ऐसे चटक कर खिल रही हैं, जैसे वसंत को बड़े प्यार से सुबह सुबह जगाने की कोशिश कर रही हूँ। एकदम से खिलती है ना गुलाब की कलियां, खिलती हैं तो ऐसा लगता है एकदम चटक गई हो। तो वही कह रहे हैं राइटर कि ऐसा लग रहा है कि वो वसंत को बड़े प्यार से जगाने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड कवित्त, जिसमें हमारे पोएट पूर्णिमा की चांदनी रात में धरती और आकाश की सुंदरता को बताते हैं। अब वो एक लाइन में चीज क्लियर करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं कि पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह की फोटो है जैसे स्टफिक
स्टफिक एक नेचुरल क्रिस्टल होता है जो कि एकदम वाइटिश होता है। उसकी चमक जब मंदिर पर गिरती है तो वो पूरा मंदिर एकदम वाइट दिखता है, रात में भी कैसा ऐसा लगता है उसमें लाइटें जला दी गई हों। तो जहां तक हमारे पोएट की नजर जा रही है वहां तक चांदनी ही चांदनी दिखाई दे रही है। ये ऐसी अनोखी घटना लग रही है जैसे धरती पर दही का समुद्र बना दिया हो और वो हिलोरे मार रहा हो। जब चांदनी गिरती है ना जमीन पर तो ऐसा लगता है कि जमीन पर जितनी भी चीजें हैं वो चमक रही हैं, और हमारे पोएट को ऐसा लग रहा है कि दही का समुद्र हमारी धरती पर बना दिया गया हो और वो हिल रहा है। चांदनी की रोशनी में चीजें इतनी साफ दिख रही हैं कि वो अपनी सीमा तक की चीजें साफ देख पा रहे थे। नजरों को देखने के लिए ना रोशनी की कमी थी और ना ही चीजों की, सारी चीजें एकदम एग्जैक्ट दिखाई दे रही थी। हमारी जो धरती है उस पर चांदनी जब गिर रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे सफेद दूध के झाग आभूषण बनकर हमारी धरती पर बिखेर दिए गए हों और वो चमक रहे हों। इस अजब गजब सी रात में, इस अजीब सी रात में हमारे कवि को जो तारे होते हैं ना आसमान में, वो खूबसूरत खूबसूरत लेडीज जैसे दिखाई दे रहे थे जो और ज्यादा खूबसूरत होने की कोशिश कर रहे थे। आभूषणों की आह मल्लिका पुष्प के मरकंद से मिली मोती की ज्योति के समान है। ऐसा लग रहा था कि पूरे वातावरण का आंकलन किया गया हो और जो हमारा आकाश है ना वो इतना ज्यादा एक स्क्रीन की तरह साफ दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि उस पर राधा जी के मुखचंद्र दिखाई दे रहे हों। आप कहेंगे कि राधा का फेस आसमान में कैसे दिखाई दे रहा है, तो गाइज यहाँ पर जो हमारा चांद है ना उसका कंपैरिजन उन्होंने राधा जी के सुंदर मुखड़े से किया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारा आकाश रूपी स्क्रीन है, मतलब हमारी टीवी जैसी स्क्रीन जो आकाश बताया है उन्होंने, उस पर चंद्रमा यानी राधा जी का फेस दिखाई दे रहा है। तो ये था हमारा चैप्टर, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के एक्सप्लेनेशन।